चलो ये टॉपिक कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। और जो टॉपिक है आज चलने वाला है नया टॉपिक, और नए टॉपिक में बोला जाए तो वेव ऑप्टिक्स चलने वाली है। रे ऑप्टिक्स कल हो चुकी है खत्म, मतलब ऑप्टिक्स दो पार्ट में थी, वेव और रे में। तो ये आप लोगों का जो मेन मेन काम है वो हो चुका है। अभी आने वाली है आप लोगों की वेव ऑप्टिक्स। तो दोनों ऑप्टिक्स में अगर डिफरेंस की मैं बात करूं कि क्या डिफरेंस क्या है मेन, तो रे ऑप्टिक्स में क्या था, सिंगल रे के साथ हम लोग डील करते थे, मतलब एक एक रे। तो आपने देखा भी होगा कि लाइन ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स है, जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हम लोग वेव के साथ डील करते हैं। और वेव का मतलब होता है कई सारी रेस, ठीक है, कई सारी रेस से वेव बनती है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में, सबसे पहले इसका बेसिक स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कुछ मेन मेन बातें, और थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप आएगा तो कॉपी पेन भी रख लें साथ में जरूर, क्योंकि कॉपी पेन की जरूरत पड़ने वाली है आज। मैं इधर से कुछ लिखवाऊंगा वो आपको नोट करना होगा कि आप लोग डेफिनेशंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। टॉपिक आ रहा है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें से सबसे पहले आप लोग देखें लाइट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट है जो विजिबल लाइट है, एक तो जो विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, ठीक है। लाइट जो होती है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई सारी रेज आती है, ठीक है, उसका एक चार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, शायद आप लोगों ने जानते हो आप लोग, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स दी होती है। लाइट भी उसी में आती है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4 × 10⁻¹⁴ 14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज तक, 8 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज तक, ये आप लोगों की लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये आप लोगों को पर्टिकुलर याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी कि इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज तक। इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि वेव ऑप्टिक्स है, इसमें हम लोग बात करेंगे वेव के फ्रंट का, वेव का फ्रंट क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को वेव पता होनी चाहिए। तो वेव के लिए आप लोग अंडरस्टैंड करना कि वेव क्या होती है, कई सारी रेज से मिलकर आप लोगों की वेव बनती है। आई थिंक एक आता कोई और आ गया, अभी सिका जली हुई है, लेट पता नहीं क्यों हो जाते हैं। तो जो आपका वेव फ्रंट है, ठीक है, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट वो हम लोग स्टडी करेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं। तो वेव फ्रंट की एक डेफिनेशन आप लोग जरूर लिख लेना। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मैं भी लिख देता हूं इधर, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, वेव फ्रंट लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट, at a given instant। ये है डेफिनेशन वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, लोकस का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, लोकस का मतलब होता है इकट्ठा होना, इसका इकट्ठा होना ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स सी वेव के, ठीक है, लोकस वेव फ्रंट क्या चीज है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर
एक ही फेज पर, फेज का मतलब होता है एंगल, याद रखना एंगल, किसी पर्टिकुलर एक ही एंगल पर जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो जाकर वेव फ्रंट बनाते हैं। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बाकी आप लोगों को और चीजें समझ आएंगी। वेव फ्रंट जो है ना, वेव फ्रंट याद रखना, वेव का फ्रंट है, फ्रंट का मतलब होता है आगे आगे, तो वेव का फ्रंट है। वेव फ्रंट में वो पार्टिकल्स आ रहे हैं जो सेम फेज पर वाइब्रेट कर रहे हैं और इक्वी डिस्टेंस होते हैं सोर्स से, सोर्स जो होता है उसे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। वेव फ्रंट तीन तरह का है। फर्स्ट वेव फ्रंट आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड आपका आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जो थर्ड आपका आता है, थर्ड है आप लोगों का प्लेन वेव फ्रंट, इसे क्या नाम, प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट तीन तरह के आप लोगों के वेव फ्रंट्स हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और इनको क्यों ऐसा बोला जाता है वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी बातें, ये नोट जरूर कर लेना क्योंकि थ्योरेटिकल बातें आ रही हैं, कंसेप्ट बनना स्टार्ट होगा इधर से वेव ऑप्टिक्स का, और फिर आगे जाकर यही कंसेप्ट आपके हेल्प करेगा। तो हम लोग मेन आर्टिकल्स पे जाएंगे। अब जो वेव फ्रंट में मैंने फर्स्ट बात की आप लोगों से, वेव फ्रंट फर्स्ट टाइप का वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब मिलता है हमें देखने के लिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, अगर सपोज करें एक पॉइंट सोर्स हो, सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स आप लोग समझ सकते हैं जैसे एक बल्ब, एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब ले सकते हैं, जैसे रूम पर आप लोगों के रूम पे बल्ब लगा होगा, ये जो बल्ब होता है वो पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर किया जाता है। सपोज करें ये है मेरा बल्ब, इस साइड में मैंने लिया एक डॉट सा लिया, इंक मैं चाहे इसके लिए रेड ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ सको कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मैंने लिया अपना एक सोर्स। अब इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब पे क्या होता है, जैसे आप लोग स्विच ऑन करते हो लाइट का, तो उससे फोटॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं, पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स, फ्रंट की डेफिनेशन क्या थी, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट सेम फेज, फेज जो है वो सेम होना चाहिए, दूसरा इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। ये दो बातें हैं जो आपको बताती हैं कि वेव फ्रंट के हैं। जैसे बल्ब से पार्टिकल्स निकलेंगे वो पार्टिकल्स जो इक्वी डिस्टेंस होंगे, अब ये कैसे पता लगेगा, इक्वी डिस्टेंस वही होंगे जो स्फेयर की फॉर्म में होंगे। अगर मैं इस बल्ब के सराउंडिंग में एक स्फेयर बना दूं, तो स्फेयर का मतलब क्या होता है, देखो सर्कल और स्फेयर, आप लोगों को इस टाइम ये सर्कल दिख रहा होगा, या आप लोग दिमाग पे रखना ये मैंने स्फेयर बनाया है, स्फेयर है ये स्फेयर, क्योंकि सर्कल जो है वो जो स्फेयर है वो थ्री डायमेंशनल है, सर्कल आपका टू डी आ जाएगा, स्फेयर आप लोगों को पता है थ्री डायमेंशनल है। स्फेयर का ये सेंटर बन गया ना, जो बल्ब था वो सेंटर बन गया, तो ये जितना भी डिस्टेंस है ये भी रेडियस होगा, इस साइड ये भी बोलूं तो रेडियस है, ये भी आपका देखो रेडियस आ रहा है, इस तरफ भी रेडियस आ रहा है। कोई भी पार्टिकल ले लूं मैं, चाहे ये वाला पार्टिकल ले लूं, इस पॉइंट का पार्टिकल ले लूं, इन सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से बोलूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आर ही डिस्टेंस है। तो पहली कंडीशन तो आप लोगों को समझ आ गई कि स्फेयर मैंने इसलिए वेव फ्रंट बोला पॉइंट सोर्स का, और पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट इसलिए मैंने स्फेयर में बोला, या स्फेरिकल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि स्फेयर का हर जो पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा उसके सेंटर से। तो वेव फ्रंट की जो फर्स्ट पार्ट था, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, तो सोर्स से इक्वी डिस्टेंस है ये सारे पार्टिकल्स, तो इसलिए ये वेव फ्रंट बन रहा है। और वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इनका अगर सोर्स एक है तो एक ही फेज पर भी ये वाइब्रेट कर रहे होंगे और इक्वी डिस्टेंस है, तो
की बात तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं बोलूं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं पॉइंट सोर्स से, और अगर पॉइंट सोर्स की बात करें कि पॉइंट सोर्स क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग बोल सकते हो बल्ब, और जो सन है यूनिवर्स को कंसीडर करें तो सन जो होता है, सूर्य जो है वो भी पॉइंट सोर्स ही हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी टर्म। सेकेंड टर्म हम लोगों की आ जाती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इसके लिए आप लोगों को दिमाग में लानी पड़ेगी स्लिट, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्लिट, स्लिट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर लेंथ वाली चीज। तो इसके लिए आप लोगों को इजी भाषा में समझ आएगा ट्यूब, जो घरों पे लाइट के लिए हम लोग ट्यूबलाइट भी यूज करते हैं, आप लोगों ने देखी होगी ट्यूबलाइट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। तो सपोज करें ये है मेरे पास एक ट्यूब, ऐसे करके ये मान लो ये मेरे पास ट्यूब है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इधर से जो पार्टिकल्स एमिट होंगे वो इस तरफ गए, ठीक है, इस साइड गए, इस साइड वाले जाते हैं इस तरफ, थोड़े से आप लोगों की तरफ भी जाएंगे स्क्रीन से बाहर की तरफ, है ना, क्योंकि हर डायमेंशन में आएंगे। इधर ड्रॉ तो मैं टू डायमेंशन में ही कर पा रहा हूँ, थ्री डायमेंशन में भी आप लोगों को पता है इसी तरह से निकलेंगे। तो होता क्या है, डिस्टेंस लेंगे ना, तो हम लोग इधर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके, एक सर्कल बन गया, ऐसे ही एक नीचे सर्कल बनेगा ऐसे, और जैसे मैं इसको मिला दूंगा इस तरह से, इस तरह से, तो आप लोग देख पाएंगे सिलेंड्रिकल बन रहा है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है स्लिट का, और स्लिट बोले या ट्यूब बोले तो उसका जो वेव फ्रंट है वो आप लोगों का होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप बन रही है। थोड़ा सा और आसान देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, तो थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ करके ऐसा जी, ठीक है, इस तरह से ये लो ऐसा सिलेंडर, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बना सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है स्लिट का, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बुक सबने पढ़नी है, जैसे लेक्चर ओवर होता है उसका आर्टिकल आप लोग थोड़ा बुक से भी देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों की टर्म आने वाली है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट आने वाला है। तीन तरह के वेव फ्रंट थे, एक कुछ गड़बड़ हो रही है, तो तीन तरह के थे, स्फेरिकल हो चुका है, सिलेंड्रिकल हो गया है, अब आने वाला है थर्ड टाइप, और जो थर्ड टाइप है वो है हम लोगों का प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट दिमाग लगा के बताओ प्लेन वेव फ्रंट कब बनता होगा, सोचो जरा, तो ना प्लेन वेव फ्रंट कब बनता होगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बनता है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी पे हो, जैसे सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, सन से अगर रे ऑफ लाइट आएगी जो वेव फ्रंट हम लोगों को मिलेगा ना वो इस तरह का मिलेगा, ऐसा इन वेव फ्रंट, इस तरह से रेज ऑफ लाइट जाएंगी और जो वेव फ्रंट है वो आप लोगों का मिल जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मिलता है जब ऑब्जेक्ट आपका इनफिनाइट हो। किसी को कोई डाउट है इन वेव फ्रंट्स में तो जरूर बोले। नो करके जरूर बात करें कि मेरे को पता लगे। No, sir. No, sir. ये रहा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. रुक जाओ, बात करते थोड़ी आप लोगों से, कौन कौन है, मनीष आया समझ? Yes, sir. वांशु को? वांशु? सर ये शर्मा रहे हैं। हिमांशु को समझ आया है? हिमांशु अंशिका को? यस सर। अर्चित? यस सर। अंतिका?
सर आएंगे उत्पत्ति को, श्रेया को, यस सर, सुनाली को, आगे सर, लास को, यस सर, और आई थिंक साक्षी को, यस सर। वांशु कहाँ पे चला गया, ये फोन ऑन करके सो गया है लग रहा है कुछ, मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को प्रूफ लग गया, मेरे को पता पूरा पक्का। तो इस तरह से होगा, देन फिर आप जो चीज आने वाली है वो बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाली है, और इम्पोर्टेंट इस करके है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको जरूर आप लोग लिख लेना, कॉपी पेन जरूर रखना, क्योंकि एक एक मैं डेफिनेशन का एक एक पार्ट बताऊंगा और उसको फिर समझाऊंगा भी, और फिर इसके बाद हम लोग क्लास ऑफ भी कर देंगे, तब इसमें समय लगेगा। और टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हिगन्स प्रिंसिपल। टॉपिक है हम लोगों का हिगन्स प्रिंसिपल, इज HUYGENS हिगन्स प्रिंसिपल, हिगन्स प्रिंसिपल। और हिगन्स प्रिंसिपल में अगर आप लोग देखोगे वेव फ्रंट के ऊपर इसमें बात की गई, तो फर्स्ट इसमें यह बात की गई है, आप लोग जरूर लिख लेना जी कॉपी पर लेके, Each source of light is a center of disturbance from which waves spread in all direction. Each source of light is a center of disturbance. इसमें फास्ट वाद नहीं होनी है। फिर से बोलो सर। Each source of light is a center of disturbance. Each source of light is center of disturbance. Yes, sir. Agge. Disturbance from which wave spread in all direction, from which wave spread in all direction, wave spread in all direction, और इसी में है all particles equidistance from the source, distance from the source, and vibrating in same phase, and vibrating in same phase and vibrating in same phase lie on a surface. Known as wave front. सेकंड में सारा बताऊंगा तो मैं आराम से समझाऊंगा ये, पहले इस बात को देखो क्या है। तो हिगन्स प्रिंसिपल की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रहा है कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस। हर जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट जैसे मान लो बल्ब ले लो आप लोग एग्जांपल के लिए, इज द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। देखो ना, जैसे बल्ब है, लाइट वेव जो आपको मिल रही है, तो हिगन्स प्रिंसिपल क्या होता है कि हर सोर्स ऑफ लाइट जो आ गया सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस जहां से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो रही है। डिस्टर्बेंस का मतलब इधर ये है कि जो लाइट के पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोला गया है डिस्टर्बेंस। सेंटर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का मतलब है कि लाइट्स के पार्टिकल्स जो इमिट हो रहे हैं उसको बोला गया है। फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, उसी से
सोर्स ऑफ लाइट है उसी से ही वेव जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होना स्टार्ट होती है और वो ही सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस भी वही है. ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो बराबर डिस्टेंस पर है और वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन सरफेस नोन एज वेव फ्रंट. देखो जो हिगन्स प्रिंसिपल में पहली बात बोली गई ना वो यही बोली गई, लेना इस सारे को आप लोग जरूर कॉपी पे आगे जरूरत पड़ने वाली है. बस इस पे यही बोला गया कि जो सोर्स है वो ही सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है जिससे पार्टिकल्स जिससे वेव जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है और उस वेव के सारे पार्टिकल्स, क्योंकि वेव जो है वो कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, याद रखना है वेव का मतलब है कई सारे पार्टिकल से मिलना. अब उस वेव का हर वो पार्टिकल जो सोर्स से बराबर डिस्टेंस पर है और एक ही फेज पर वाइब्रेट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, उनको बोला जाता है वेव फ्रंट. ये बोली गई है हिगन्स प्रिंसिपल के थ्रू वेव फ्रंट की मेन डेफिनेशन. फर्स्ट पार्ट इस फर्स्ट लाइन इसकी ये है. सेकंड जो इसने बात की वो देखो क्या बोला इसने. पहला पॉइंट समझ आ गया ना सबको? Yes, sir, आ गया. सेकंड जो इसने बात की, सेकंड बात जो इसने की वो की कि सेकंड पॉइंट बोला कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट. अब बात अलग सी आ गई, ठीक है. फर्स्ट का थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में अगर आपने समझना होगा फर्स्ट को, तो देखो क्या है. फर्स्ट को अगर डायग्राम के फॉर्म में अंडरस्टैंड करना होगा, फर्स्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट उसने यही बोला कि मान लो ये मेरा सोर्स है, ठीक है. ये जो मैंने पॉइंट लिया रेड सा, ये मेरा सोर्स है. तो ये बोल रहा है कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस. ये जो सोर्स है ना ये ही सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है. इधर से ही डिस्टरबेंस का मतलब है कि पार्टिकल्स का इमिट होना, इधर से ही पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं और इससे सारे वो पार्टिकल्स डिस्टेंस पर है वो वेव फ्रंट बनाएंगे. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सोर्स मेरा पॉइंट सोर्स होगा वेव फ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा. मैं क्या करूंगा ना, पूरा स्फीयर ना लेके स्फीयर का एक पार्ट लेने वाला इस तरह से मैं ले लूंगा कि इसका हर पॉइंट जो होगा ना वो इक्विडिस्टेंस सेंटर से, अगर सोर्स से मैं बात करूं रेडियस आर होगा. ये सारे सर्कुलर फॉर्म में आया ना ये, अगर इसका मैं पूरा कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो इस तरह से बनेगा. हम लोग कंप्लीट स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा स्फीयर का पार्ट लिया. मैंने स्फीयर का जितना भी पार्ट लिया सारे पार्टिकल्स जो सोर्स से मीट करेंगे इस पॉइंट पर सारे इक्विडिस्टेंस होंगे और अगर उनका फेज भी सेम है एक ही फेज पे है वो, तो वो वेव का फ्रंट बना देंगे. यही फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट बात बोली गई वो यही बोली इसने. और जो इसने सेकंड बात की वो आप लोग अंडरस्टैंड करना कि सेकंड क्या बोल रहा है. ये सेकंड पॉइंट इसने बोला सेकेंड पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट आप लोग समझ गए हैं, मैंने रेड सी लाइन ली है सर्कल सा बनाया था जो वही, उसका हर पॉइंट ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. ये बात थोड़े अंडरस्टैंड करना, इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. ये बात समझना, इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. बोला हर पॉइंट जो है ना वेव फ्रंट का हर पॉइंट अब अपने आप एक नया सोर्स बनता जा रहा है. सोर्स ऑफ न्यू डिस्टेंस, नई डिस्टेंस जो क्रिएट हो रही है वो वेव फ्रंट का जो अपना पॉइंट होगा एवरी पॉइंट हर पॉइंट जो होगा वो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टेंस बन जाएगा विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव फ्रंट. और वो क्या करेगा, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव फ्रंट which produce secondary wave front, एक सेकेंड, which produce secondary
वेव फ्रेंडली वेवलेट्स लो, वेवलेट्स व्हिच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, व्हिच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स. दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल. दीज वेवलेट्स, दीज वेवलेट्स आर, ये जो वेवलेट्स होने वाले हैं, दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल, ये भी स्फेरिकल होंगे. दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल होने वाले हैं, स्फेरिकल एंड ट्रेवल. दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, travel with the speed of light in all direction in that medium, in all direction in that medium. ये second point आ गया. second point को अच्छे से understand करना. ये बोल रहा है कि every point on a wave front का जो हर एक point है सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ये एक नई डिस्टर्बेंस का सोर्स बन जाएगा, मतलब वहीं से डिस्टर्बेंस होना फिर से शुरू हो जाएगी. विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये अपने वेवलेट्स बनाना स्टार्ट कर देगा, वेवलेट्स बनाना स्टार्ट कर देगा. एंड दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल, ये जो वेवलेट्स हैं ये भी स्फेरिकल होंगे, और ट्रेवल ये फिर से स्पीड ऑफ लाइट की, लाइट की जितनी स्पीड है उसी से ये भी ट्रेवल करेंगे इन ऑल डायरेक्शन इन दैट मीडियम, उसी मीडियम पर हर डायरेक्शन. को हिगन्स प्रिंसिपल में तुम एक्चुअल में क्या स्टडी कर रहे हो कि किस तरह से लाइट ट्रेवल कर रही है. सोर्स को आप लोग थोड़ी देर के लिए बल्ब ज़ूम कर सकते हो, कि घर में बल्ब ऑन किया तो उससे क्या हो रहा है. बल्ब जैसे ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सोर्स, सारे पार्टिकल्स डिस्टेंस एक फेस पे जो वाइब्रेट कर रहे थे वो वेव फ्रंट बना दिया. सेकेंड पॉइंट ने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट में पॉइंट लगा बनाने. मान लो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, पॉइंट्स का मतलब ये है कि मान लो ये पार्टिकल्स हैं, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहा हूँ, एक्चुअल में तो बड़े ज्यादा क्लोज क्लोज होंगे आपस में, तो ये मैंने बना दिए इस तरह से. ये क्या है, ये वाला पार्टिकल्स जो होंगे ना, सारे पार्टिकल्स जो एक डिस्टेंस थे सोर्स से, ये अब अपना अपने आप फिर से सोर्स बन जाएंगे, ये अपने आप को बल्ब की तरह फिर से वेव करना स्टार्ट कर देंगे, और ये भी वेव फ्रंट एमिट करना स्टार्ट कर देंगे, ये भी पार्टिकल्स एमिट करना स्टार्ट कर देंगे. और आपको पता है ये, इसका मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये वन मान लो, ये टू मान लो, इसको मान लो थ्री मान लेते हैं, ये फोर बन गया, ये देखो ये फाइव बन गया, ये सिक्स और सेवन और एट. ज़ूम करो कि एट पार्टिकल्स थे ये, जो ये एट पार्टिकल्स सोर्स से इक्विडिस्टेंस पे थे, एक ही फेस पे वाइब्रेट कर रहे थे. अब ये आठ के आठ पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद सोर्स बन जाएंगे. सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, हिगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आठ के आठ पार्टिकल्स ये खुद सोर्स बन जाएंगे, और खुद सोर्स बनने के बाद ये वेव फ्रंट्स भी एमिट करेंगे. वेव फ्रंट्स एमिट करेंगे तो है तो ये पॉइंट, सोर्स पॉइंट की तरह, तो आपको पता है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ये एमिट करेंगे, ये इस तरह से एक स्फीयर बनाएगा. सेकेंड अपना एक स्फीयर बना लेगा इस तरह से, थर्ड अपना स्फीयर बना लेगा. स्फीयर का मतलब है मैं वो पार्टिकल्स ले रहा हूं डिस्टेंस है पार्टिकल्स के, जैसे पांचवें के राउंड मैंने गोला लगाया, गोले का मतलब ये हो रहा है मैं वो पार्टिकल्स ले रहा हूँ जो डिस्टेंस है. सिक्स्थ के राउंड में फिर से गोला लगाऊंगा इस तरह से, इनके गोले आपस में कट मत करवा देना ऐसे, और आठवें का इस तरह से बन जाएगा. ओहो मेरा थोड़ा सा कट हो गया, इसको कंसिडर ना करें. तो सेकंड पॉइंट में बोला कि हर पार्टिकल जो है, ये आठ के आठ पार्टिकल्स क्या बन गए, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस बन गए, इन्होंने वेवलेट्स वेव फ्रंट अपने अपने बना लिए. तो इसमें यही है. और थर्ड जो इसमें सेकंड पॉइंट समझ आ गया सबको, यस लग गया. इसमें एक बात याद रखना कि जैसे पार्टिकल्स, आठ पार्टिकल्स ने जो पार्टिकल्स इमिट किए या वेवलेट्स बनाए, ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही काम हो रहा है और हर डायरेक्शन में हो रहा है. थर्ड जो इसने बात बोली हिगन्स प्रिंसिपल ने, थर्ड बात देखना क्या बोली इसने,
जो थर्ड बात की इसने, इंक लेते यार कोई और थी, थर्ड बात बोली ना, थर्ड पॉइंट जो आ गया, दो पॉइंट हो गए, मैं बोला कि ओनली फॉरवर्ड, ओनली फॉरवर्ड एनवेलप, ओनली फॉरवर्ड एनवेलप इनक्लोजिंग द इंजन इनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट्स, एट द सेकेंडरी वेवलेट्स, एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट गिव्स द gives the new position of wavefront, gives the new position of wavefront. ये था next आप लोगों का point, third point. ये बोल रहा है कि only forward envelope. जो forward envelope है ये मैं आपको बता दूंगा क्या है, only forward envelope enclosing the tangent of the secondary wavelets. सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं ये भी बताता हूं. एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, बोला इसने हिगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फॉरवर्ड एनवेलप है ना, जो फॉरवर्ड एनवेलप है वो ही न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, अगले वेव फ्रंट की पोजीशन आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड एनवेलप देगा, बैकवर्ड एनवेलप नहीं देगा. इसका मतलब क्या है इसको सुनना आप लोग अच्छे से, डायग्राम पे बातें समझ आनी चाहिए. ये था अपना डायग्राम, ये इस पर क्या था, अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड एनवेलप की, ठीक है, कि फॉरवर्ड एनवेलप क्या होने वाला है, तो फॉरवर्ड एनवेलप क्या होता है कि अगर इस ये जो 128 जो पार्टिकल्स थे इन्होंने जो अपने वेव फ्रंट्स बनाए, इसमें दो टेंजेंट्स लेकर हम लोग बनाएंगे. एक तो आप लोग इनको टच करोगे इसकी सारी बाउंड्रीज को बार बार से, ठीक है, इस तरह से आप लोग टच करोगे इसकी बाउंड्रीज को बार बार से, टच करना मेरा थोड़ा अंदर हो रहा है. एक तो ये बन रहा है और एक अंदर वाली साइड भी बन रही है जो मैं बना देता हूं इस पेन से, इस तरह से ये देखो अंदर से बन रही है कि ये वाले, ठीक है, ये दो एनवेलप बन रहे हैं. इस पर ये जो है ना ये बार वाला, इसको बोला गया फॉरवर्ड एनवेलप, फॉरवर्ड एनवेलप, और ये जो था अंदर वाला ये है बैकवर्ड, दैट इज बैकवर्ड एनवेलप. तो हिगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला, जो नए वेव फ्रंट बनेंगे, क्योंकि लाइट का ना ये फर्स्ट वेव फ्रंट था, देखो सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट ने अपना एनवेलप निकाला, ये था जो एड वाला जो था 128 जिस पे लिखा, ये इसने बनाया वेव फ्रंट. इस वेव फ्रंट को बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट. फिर क्या हुआ, प्राइमरी वेव फ्रंट के हर पार्टिकल ने अपना अलग वेव फ्रंट्स बनाना या अपने अलग पार्टिकल्स इमिट करना स्टार्ट कर दिए. उसने जो पार्टिकल्स इमिट किए उसमें से दो एनवेलप बन गए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. हिगन्स प्रिंसिपल ने यह बोला कि जो लाइट ट्रेवल करेगी ना, जो लाइट आप लोगों को दिखेगी, जो नए वेव फ्रंट्स बनेंगे इसके आगे और सेकेंडरी वेव फ्रंट से आगे और वेव फ्रंट्स बनेंगे, क्योंकि होगा क्या, इनके अपने इनके एक सेकंड बताता हूं तुम्हें क्या चीज मैं बोलने वाला हूं. ये लो, होगा क्या कि ये जो फॉरवर्ड बना ना, इसके इसके फिर से पार्टिकल्स होंगे. देखो मान लो ये पार्टिकल्स इसके आगे जो अभी लिखने लगा, ये रेड रेड से डॉट लगा, ये तुम आईडिया से ले रहा हूं, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो भी तो अपनी न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे ना, वो आगे और ज्यादा अपना वेव फ्रंट्स बनाएंगे. सेम वे से बैकवर्ड वाले भी करते हैं, लेकिन हिगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला, इसने बैकवर्ड वाले के बारे में कुछ नहीं बोला, बैकवर्ड वेव फ्रंट के बारे में इसने बात ही नहीं की. इसकी लिमिटेशन बन जाती है, हिगन्स प्रिंसिपल की लिमिटेशन यही है कि बैकवर्ड एनवेलप ये बात नहीं करता है. इसने सिर्फ ये बात बोल के छोड़ दी कि
बोला ओनली, थर्ड पॉइंट जो था ओनली फॉरवर्ड इनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। उसने ये बोला जो नए वेव फ्रंट बनेंगे ना वो सिर्फ फॉरवर्ड इनवेलप जो है ये ही न्यू वेव फ्रंट्स के बारे में बात करेगा। ओनली फॉरवर्ड इनवेलप जो है वो ही न्यू वेव फ्रंट्स देगा, बैकवर्ड इनवेलप नहीं देगा। लेकिन एक्चुअल में तो बैकवर्ड जो है वो भी देता है। तो ये ही हिगन्स प्रिंसिपल का थर्ड पॉइंट था और हिगन्स प्रिंसिपल पूछा हो जाता है। यही था, किसी को पर्टिकुलर डाउट है तो बोलो जी। नो सर, क्लियर हुई बातें सारी? यस सर क्लियर है। डाउट में बैठा हुआ है स्टूडेंट बोले, क्योंकि इसी के साथ जो आपका हिगन्स प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों से, तो आप लोग ये जरूर कर लेना। एक बात मैं और इसमें ऐड कर देता हूं कि आपको रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन वेव फ्रंट में किस तरह से पता करते हैं, तो इसके लिए एक डेफिनेशन भी आती है वैसे, और ऐसे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरह से दी जाती है। तो डायरेक्शन जो होगी ना रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन, वो हम लोग देते हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट ड्रॉ करके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम लोग वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट आपको इधर तीन वेव फ्रंट दिख रहे हैं, एक एफ दिख रहा है, एक फॉरवर्ड वेव फ्रंट दिख रहा है, एक बैकवर्ड वेव फ्रंट दिख रहा है। तो वेव फ्रंट के अगर मैं नॉर्मल 90 डिग्री पे एक लाइन लूं, वो लाइन हमें डायरेक्शन ऑफ रे दे देगी। तो ये सोर्स है, सोर्स में बिल्कुल नॉर्मल लाइन ले लूंगा। नॉर्मल लाइन आप लोगों को पता है किस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी एक, और सेकेंड नॉर्मल लाइन इधर लेनी होगी तो इस तरह से होगी, और इधर से लेनी होगी और तो इस तरह से होगी। और ये जो नॉर्मल लाइंस ली, ये जो लाइंस ली, ये आपको रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन दे देगा। डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इससे मिल जाएगी, लाइट जो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो आप लोगों को पता है ये बातें, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने लाइट को देखा नहीं है। जैसे बल्ब है तो इसी तरह से डायरेक्शन जाती है, लेकिन किस तरह से वो फैलती है, वो इस तरह से जो हमने बनाए हैं 8 पार्टिकल्स और उनके वेव फ्रंट्स बनाए, इस तरह से वो रे ऑफ लाइट फैलना स्टार्ट करती है। ऐसे ये प्रोसेस आगे तक चलता रहता है, काफी दूर तक भी चलता रहेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? यस सर, नहीं आ रहा डाउट। सबको बात है, एक सेकंड बात कर लेता हूँ।